पहले मैंने आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे और आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मालूम है मेरा लाइफ कैसे स्ट्रगल किया था वहाँ पे, सबको मालूम है मैं फुटबॉल खेली थी बचपन में। थोड़ा हिंदी ऐसे ऐसे होगा, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, तो पहले मैंने फुटबॉल खेली थी क्योंकि मेरा पापा एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर थी एक टाइम, और उनसे इंस्पिरेशन होके खेल में आया। उससे पहले जाऊँ तो मैं भैया लोगों के साथ फुटबॉल हो क्रिकेट हो गांव में खेलती थी, और एक टाइम आया इंडिया जैसे फॉलो करना, वो मेरा क्रिकेट का भगवान सबको मालूम है सचिन जी, उसको फॉलो करती हूँ, उसको जर्सी देखती हूँ, मुझे इंडिया जर्सी पहनना है। स्कूल में हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी उसी टाइम, सब में पहला साल कुछ नहीं मिला छोटू, दूसरा साल आया, दूसरा साल में हर 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक सब में गोल्ड मेडल आया, लॉन्ग जम्प शॉर्ट फुट सब में गोल आया। तभी और थोड़ा दिन के बाद सभी स्कूल का गेम खत्म होने के बाद स्कूल में एक नोटिस आया, नवोदय विद्यालय ढिंग में स्कूल ढिंग स्कूल चैम्पियनशिप होगा योगा कंपटीशन में, और मैंने वहाँ पे गई हमारा टीम के साथ, हमारा मेरा स्कूल का टीम के साथ करीबन 30 या 33 लोग सुबह 4:30 बजे गई वहाँ पे, 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा क्लास थी, योगा क्लास 1 महीने का। सो वहाँ पे मेरा जो डिसिप्लिन थी, हर दिन शू पहन के जाना, अच्छा ट्रैक सूट पहन के जाना, तो वो देख के जिन्होंने मुझे एथलीट लाइफ दिखाया, शामसुल हक सर, उन्होंने मुझे बोला हिमा तुम एथलेटिक्स में आओ और एक ना एक दिन तुम अच्छा नाम करोगी। तो सर कैसे आना है? सर ने बोला तुम डिस्ट्रिक्ट में आओ, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन करके आसाम टीम होगा, आसाम से सिलेक्शन होकर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। उसका बात सुन के एक साल घर में थी, दूसरी साल मैंने उसको फ़ोन किया, सर गेम कब है? बोले हिमा थोड़ा दिन रुको, 2-3 महीने के बाद होगा, जनवरी में। और गेम जो सिलेक्शन थी नौगांव डिस्ट्रिक्ट ने, सर ने मुझे फ़ोन किया हिमा तुम वहाँ पे सिलेक्शन देने के लिए जाओ, ये डेट में सिलेक्शन है। मैं और मेरे पापा गई वहाँ पे, तब भागने के लिए जो शू चाहिए था ना स्पाइक्स, वो मेरे पास नहीं थी, नॉर्मल शू पहन के मैंने भागा था 100 मीटर, और उसी में मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था उस टाइम, और उसी टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट टीम बन के शिवसागर खेलने के लिए आया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट नौगांव डिस्ट्रिक्ट टीम बन के शिवसागर में आया, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, ऐसे स्ट्रगल मतलब डिस्ट्रिक्ट खेल खेल के। और एथलेटिक तो एक ही दिन आते सालों में एक बार, बाकी टाइम क्या करेंगे, खेलना तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं फुटबॉल जो मैंने पहले फुटबॉल खेली थी, तो मैंने क्लब में जाके और स्ट्रगल किया फुटबॉल खेलने के लिए, और मैंने एक साल में इतना फुटबॉल खेला, मेरा एग्ज़ाम 7 दिन के बाद है, मैं आज भी फुटबॉल खेल रहा था। तो फुटबॉल एक सालों में करीबन मेरा नाम में वो कोई बड़ा मैच नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को मालूम है फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, फुटबॉल बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे गांव-गांव में खेलते हैं, इसलिए ये वजह से तो इंडिया टीम में हाफ से ऊपर इंडिया फुटबॉल का टीम का नॉर्थ ईस्ट का लड़का ही है वहाँ पे। सो हम लोग गांव-गांव में खेलने के लिए जाते हैं क्लब बन के, ये बुलाते हैं वहाँ पे बुलाते हैं, और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये है पैसा मिलते 500, 700, 1000। तो वो पैसा मैंने क्या क्या इकट्ठा किया था वहाँ पे, मेरा फैमिली जॉइंट फैमिली है, मेरे बड़ी अप्पा बड़ी अम्मी नौकरी करते हैं, पापा का भी फार्म है, लेकिन मैं किसी दिन बोला नहीं मुझे ये सामान चाहिए, खेल का सामान ही हो या
कुछ भी मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, आप लोगों को सबको मालूम है, माता पिता एक बच्चे और एक लड़का लड़की बस इतना में मंथ का लाखों रुपए कमा के भी नहीं आते हैं ना पूरा करने के लिए। तो हमारे घर में 17 मेंबर्स है, तो सोचिए कितना मुश्किल होते हैं हम लोगों को। तो मैंने कभी नहीं पूछा उन लोगों को ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मैं जितना हो सके मैं खुद कोशिश करती हूँ लाने के लिए। फुटबॉल गया 2017 में असम गवर्नमेंट ने फोन रैंकिंग कैंप किया था वहाँ पे 31 डेज का, एक महीने का। तो वहाँ पे मैंने आई और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की, तो मुझे देख रहा था निपोन सर और नवजीत सर दोनों ने, और दोनों ने जब देखा लास्ट टाइम लास्ट दिन में मुझे बोला हिमा तुम गुवाहाटी आओ और अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तुम। तो बोल ठीक है सर आ जाऊंगी। घर में गई पापा को बोला, पापा गुवाहाटी बुला रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, सर ने बोला अच्छा नाम कमाएगी तो एक दिन इधर आओगी। तो पापा ने बोला ठीक है क्योंकि उसको मालूम है प्लेयर्स का दिल कैसा होते हैं क्या करना चाहते हैं। मम्मी थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, क्या करे पता ही है ना मम्मी लोग कैसा है। जो भी हो उनका वजह से अभी यहाँ पे पहुँचा। कुछ करके मम्मी को भी मना लिया, 350 रुपीस लेके गुवाहाटी आई। घर का रेंट, खाना पीना, निपोन सर, नवजीत सर और डॉक्टर पुतुल शर्मा सर अरेंज किया मेरे लिए। दो महीने के बाद यूथ नेशनल थी हैदराबाद में। गुवाहाटी जब आई दो महीने प्रैक्टिस की और मैंने खेलने के लिए आई हैदराबाद में, और हैदराबाद में जो मेरा सपना थी इंडिया जर्सी पहनने का पूरा हो गया मेरा। जूनियर यूथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए बैंकॉक जाने वाला है इंडिया टीम, वहाँ पे मेरा नाम थी। प्रैक्टिस किया सोनीपत में इंडिया कैंप में, प्रैक्टिस करके करके बैंकॉक खेलने के लिए गई, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ लेकिन सिक्स पोजीशन में थी वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन वहाँ सिक्स पोजीशन में थी मैं वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में सिलेक्शन बन गया इंडिया का पहला लड़की। उससे आगे मुझे मालूम नहीं, उससे आगे 200 में कोई फाइनल नहीं पहुंचा, मैंने पहुंचा और वहाँ पे मैंने सिक्स पोजीशन में थी। ठीक है इंडिया जर्सी पहना शुरू सपना थी हो गया, और कोशिश करेंगे कुछ होगा। तो फिर गुवाहाटी आई, गुवाहाटी में प्रैक्टिस की फिर, तो मेरा निपुण सर ने मुझे बोला हिमा तुमको एक काम करना है, तुम जूनियर खेल लिया अभी सीनियर के सीनियर लेवल में कैसे पहुंचना है, तुम एक काम करो 400 के लिए तुम ट्राई करो, क्योंकि हम लोगों का एम नवजीत सर निपुण सर और मेरा एम 400 का नहीं थी, हम मेरा थी 400 रिले का, क्योंकि 400 रिले में 6 लड़की को लेके जाते हैं इंडिया टीम में, फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ तो फिफ्थ सिक्स तो होंगी इंडिया में, इंडिया सीनियर टीम में जाऊंगी 18 इयर्स ओल्ड उसी टाइम, वो भी एक नाम हो जाएगा। उसके बाद 400 का एक महीने ट्रेनिंग की, इतना भी मालूम नहीं था 400 कैसे ट्रेनिंग करना है कितना स्पीड में भागना है। उसके बाद ओपन नेशनल थी चेन्नई में, सब सीनियर लोग ओलंपिक प्लेयर्स सब लोग दीदी भैया लोग को देख के मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि मैं ही छोटा थी वहाँ पे वो कंपटीशन में, उन लोगों को देख के मुझे बुखार आ गया। तो रात को सोचने लगा कैसे भागूंगी 400, और इतना बुखार आया उसमें, और दूसरा दिन जिस दिन मेरा इवेंट है उसमें बारिश आ गया। मैं तो पहले से ही थोड़ा डरने वाला थी और अभी तो बारिश भी आ गया क्या होगा। 200 भाग के मेरा सांस रुक गई थी लेकिन मैं भागने नहीं छोड़ा, आया सबसे लास्ट में घुसी,
सर का गुस्सा आ गया, क्या भागती हो तुम, ये बोले सर बारिश आ गया, सांसें रुक गई, तो मैं क्या करूं। नाराज हो गया, मुझे लगा थोड़ा सा अच्छा करेगा क्योंकि प्रैक्टिस में थोड़ा सा मैं अच्छा किया था, कंपटीशन में अच्छा नहीं हुआ। बाद में 200 थी दूसरा दिन, 200 में जो दीदी लोग थी ना, शेष फिनिश में मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। तब हमारा फेडरेशन का लोग देख रहा था, राधा कृष्णा नायक सर, हमारा शिव कोच बहादुर सर, बसंत सर, इन लोग देख रहा था। उन लोगों ने थोड़ी दिन बाद सर को फ़ोन किया, हिमा को इंडिया गेम भेज दो। लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट वही थी मेरा, जिस दिन फ़ोन किया हिमा को इंडियन गेम भेज दो। जो इंडिया गेम में आया, गेलिना मैम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो उनसे सीखा 6 मंथ, पटियाला में सीखा, पटियाला में थोड़ा गर्मी हो गया इसलिए शिफ्टिंग, त्रिवेंद्रम में गई। त्रिवेंद्रम के बाद हम लोग पोलैंड गई। सो ऐसे 6 मंथ के बाद हमारा फेडरेशन कप थी पटियाला में। पटियाला में मैं और बहुत ओलंपियन लोग आई थी, मैं भी उसमें भी डरा था, बट कॉन्फिडेंस थी मैं कुछ कर पाऊंगी वहाँ पे। तो आई आके कंपटीशन में हिस्सा ली, 400 में सीनियर टीम में कॉमनवेल्थ गेम खेलने के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खेला, ऐसे गई कॉमनवेल्थ गई, उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ खेल के हम लोग सीधा पटियाला, पटियाला से पोलैंड प्रैक्टिस करने के लिए गई, और पोलैंड से गुवाहाटी एशियन गेम्स का सिलेक्शन थी। तो गुवाहाटी खेलने के लिए गई, वहाँ पे जाके 200, 400 मिक्स रिले सब में क्वालिफाई कर दी एशियन गेम्स के लिए। उसके बाद वो गेम ख़त्म हो गया और हम लोग प्राग में ट्रेनिंग करेंगे, बाकी टीम ट्रेनिंग करेगी, मैं जाऊंगी फिनलैंड। और मुझे याद है 7 तारीख को निकला था हमने, 7 जून को 2018 में जून को मैं हमने प्राग में गई, एक रात वहाँ पे रुका, और 9 को मैं और बसंत सर फिनलैंड गई। 10 को रेस्ट, 11 को हिच थी 400 का, वहाँ पे भी फर्स्ट थी और फाइनल पहुँच गया। वो दिन 11 जून को सबको मालूम है किसी ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रैक एंड फील्ड में फाइनल नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा। 12 तारीख को जिस दिन पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड मुझे पहचानने लगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बन गई। उसी दिन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन इतना बड़ा गेम और इंडिया टीम बन के जा रहा था खेलने के लिए। सो मैंने स्टार्टिंग लिया और कुछ नहीं सोचा, आगे देख रहा था फिनिशिंग लाइन, वो टच करना है मुझे, टाइमिंग बेटर करना है, मेडल छोड़ दो, टाइम अच्छा होगा तो मेडल अपने आप आ जाएगा, ये सोच के गई। और गोल्ड मेडल आई, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल ट्रैक एंड फील्ड में वो मैंने लाई। अभी भी जो वो वीडियो देखती हूँ ना मैं, मुझे नहीं लगता ये मैं भाग रही हूँ, इंस्पिरेशन होते हैं मुझे, खुद का वीडियो देख के खुद ही इंस्पिरेशन लेती हूँ। लेकिन लगता नहीं है मैं भाग रही हूँ। उसके बाद सब देश वालों ने आशीर्वाद किया, आप लोगों ने आशीर्वाद किया, एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर लेके फिर इंडिया आई, सबने पहचाना, अभी यहाँ आप लोग के यहाँ पे पहुँचा। लेकिन मेरा जो स्ट्रगल थी, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने के लिए, बट मैं देख के आया कैसे स्ट्रगल किया था मैंने। मेरा फैमिली हर टाइम सपोर्ट किया था, उस टाइम मेरा शूज नहीं थी ना स्पाइक्स, और ये मेरा जर्नी में बहुत लोग आई बहुत लोग गई,
लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ डॉक्टर ललित भनोज सर, आदिल सुमीरवाला सर, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को. थोड़ा सा बोलने में कुछ इधर उधर हुआ, समझ लीजिए क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो फील मैंने किया ना वो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने बोलती हूँ. मैं मेडल के पीछे कभी नहीं भागा. आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले क्या, हर दिन टाइम के पीछे भागती हूँ. टाइम अच्छा होगा तो गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर अच्छा अच्छा पैसा वगैरह सब आएगा. एम क्या है, टाइमिंग करना है. पहले सोचा नहीं थी मैं इंडिया के लिए खेलूंगी. मैं पहले सोचा था खेल के कॉन्स्टेबल हो जाएंगे, बस इतना ही. लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से अभी यहाँ पे पहुँचा. मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे टाइमिंग बेटर करने के लिए. आप लोग आशीर्वाद कीजिए पूरा इंडिया टीम को और देखिए खेल. हमारे इंडिया में खेल बहुत कम देखते हैं. मैं आप लोगों को पठन करती हूँ क्योंकि आप लोग खेल देखिए. आप लोग जब खेल देखने जाते हैं ना वो जोश भी अलग है. जितना प्रैक्टिस करो वो जोश सबसे ज़्यादा पावरफुल है. सो आप लोग खेल देखिए, इंडिया का सभी को उत्साह दीजिए, मींस ऊपर सपोर्ट कीजिए उन लोगों को. खेलो, देश का नाम कमाओ. बस थैंक यू सो मच.